हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो है वीडियो लेके आया हूँ, ये जो कंपनी है मैरिको लिमिटेड, नाम से आपको पता नहीं लग रहा होगा कि ये काम क्या करती है। मैरिको लिमिटेड एक टॉप का, एक एक्सीलेंट क्वालिटी का स्टॉक, मैं इसको कहूँगा एक्सीलेंट नहीं, बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक मैं कहूँगा। जिस तरीके से इसने अपनी मार्केट बना रखी है, इंडिया ही नहीं बाहर के देशों में भी, तो इसलिए बहुत बेहतरीन स्टॉक कहूँगा मैं इसको, मैरिको लिमिटेड। चलिए बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, और इसका आज क्वार्टरली रिजल्ट आया उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा बहुत टेक्निकली मैं आपको स्टॉक को बताऊंगा किन लेवल्स पर बाइंग के लिए अच्छा रहेगा मैरिको लिमिटेड। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब ये देखिए मैरिको लिमिटेड, इसको बहुत अच्छा मैं क्यों कहता हूँ, आप ये देखिए किस तरीके से इसने मार्केट कैप्चर रखी है। चलिए, 284 का इसका प्राइस अभी गिर के गया था नीचे, और 388 का जो प्राइस है वो हाई है, तो मतलब 284 तक गिर के नीचे गया था और उसके बाद देखिए 320 तक पहुंच गया धीरे धीरे रिकवर करके। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो ऑलमोस्ट 41,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक लार्ज कैप स्टॉक है। अर्निंग पर शेयर जरूर इसका थोड़ा सा कम है, 6.49 का है, और अगर आप देखें बुक वैल्यू 19.80 की बुक वैल्यू, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 16.18 का है। पर्सनल केयर सेक्टर का स्टॉक है, फेस वैल्यू 1 रुपीज की है। अब आप देखिए, आपको मैंने जैसे आपको बताया नाम से तो आप को पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इसके प्रोडक्ट देखिए घर घर में यूज होते हैं। सेट वेट जेल देखिए, पैरासूट, आपका जो नीले डब्बे में नारियल का तेल आता है पैरासूट वाला, वो मैरिको बनाती है ये सोच के देते। ट्रू रूट्स, और ये देखिए पैरासूट एडवांस, निहार देखिए इसमें, देखिए कीर्ति सनन, ये आपके पास विद्या बालन, इनकी जो ब्रांड एम्बेसडर है अलग अलग प्रोडक्ट्स की, पैरासूट बॉडी लोशन, पैरासूट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। देखिए सफोला, सफोला भी इसी का है। आप देखिए FMCG सेक्टर में भी है सफोला, यानी कि हेयर एंड केयर, हेयर एंड केयर भी है लिवॉन, और मतलब निहार नेचुरल्स, रिवाइव, मेडिकेयर, सब टॉप के प्रोडक्ट्स के हैं। और आप कंट्रीज़ देखिए कहाँ कहाँ इसका बिजनेस होता है, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडिया, मलेशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, इन कंट्रीज़ में देखिए कहाँ कहाँ से इतना टॉप के ब्रांड्स इसके बिकते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट देखिए, आज रिजल्ट आया, और सबसे पहले मैं बता दूं रिजल्ट जो आया है वो 3 बजे के अराउंड रिजल्ट आया, और रिजल्ट कैसा रहा उससे पहले बता दें, देखिए डिविडेंड डिक्लेयर किया 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, और नवंबर 13 जो है डिविडेंड की एक्स रिकॉर्ड डेट है, नवंबर 13 की है। तो आप ये देखिए 2 रुपये का डिविडेंड है, डिविडेंड जरूर थोड़ा कम है लेकिन 2 रुपये का डिविडेंड जरूर है, और रिजल्ट देखिए कैसा रहा। सबसे पहले बात करते हैं इसके रेवेन्यू के, जो रेवेन्यू ऑपरेशंस के साथ ही इसके क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 19 में इसने शो किया, वो ये सारी फिगर्स जो है ये देखिए 1837 करोड़ की है, सारी करोड़ में ये फिगर। और अगर प्रॉफिट की बात करते हैं, पैट जो है वो 214 करोड़ का शो किया है, यानी कि 18% जंप यहाँ पे देखा गया है पैट। और अगर आप देखें एप्टा में भी थोड़ा सा कमी जरूर आई है, और इंडिया का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 6% रहा है, एंड ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट 6% रहा है। अगर आप बात करते हैं रेवेन्यू की ग्रोथ की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो 20% ग्रोथ रहा है ओवरऑल। जैसे मैं आपको बता रहा था कितने ज़बरदस्त अलग अलग सेगमेंट है, सफोला, एडिबल ऑयल्स, हेयर ऑयल्स, पैरासूट्स, इस तरीके से वो FMCG बिजनेस जो है वो 20% का ग्रोथ देखा गया है क्वार्टर टू फाइनेंशियल 19 में, एंड इंडिया में 20% है, इंटरनेशनल 18% का ग्रोथ देखा गया है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसका पिछला रिजल्ट, देखिए पिछले क्वार्टर में भी इसने 214 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था, एंड मार्च में 119 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था। लास्ट ईयर जो दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट था वो 240 करोड़ था, एंड सितंबर 2017 में 160 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था। तो मतलब 160 करोड़ से 214 करोड़ ईयर ऑन ईयर वाइज अच्छा खासा जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिला है। टोटल डेट देखिए और 122 करोड़ का है, तो इस डेट को 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 122 करोड़ का डेट, तो मैं तो इसको ना के बराबर समझता हूँ। और टोटल एसेट्स देखें अगर वो 3163 करोड़ के हैं, ना के बराबर डेट को इसलिए क्योंकि उसके कंपैरिजन में ना के बराबर, वैसे तो 122 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है लेकिन उसके कंपैरिजन में ना के बराबर डेट है। तो टोटल एसेट्स 3163 करोड़। अब ये देखिए डिविडेंड टाइम टू टाइम पे करता है, 2018 में 2 बार डिविडेंड दे चुका है, एक बार 2.5 रुपये दिया था, इस बार 2 रुपये दिया अभी। और आप ये देखिए 2017 में भी 2 बार डिविडेंड दिया था, एक बार 1.75 का दिया था, एक बार 2 रुपये का दिया था, 2016 में 2 बार डिविडेंड दिया था। तो लगातार 2-2 बार हर साल डिविडेंड दे रहा है मैरिको, मैरिको टॉप का स्टॉक। बोनस की बात करते हैं तो 2015 में 1:1 का बोनस दिया था, 2004 में 1:1 का बोनस दिया था, एंड 2002 में 1:1 का बोनस दिया था। ग्राफ पे नज़र डालिए, पिछले 5 साल का ग्राफ है, आप देखिए 100 रुपये का स्टॉक 400 के लेवल तक गया था, ऑलमोस्ट 400 के लेवल, तो 4 गुना आपको गया। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होते उस टाइम पे, तो ये 4 लाख हो चुके होते 5 साल में। बहुत बेहतरीन, इससे बढ़िया और क्या, मतलब कोई रिस्क फ्री स्टॉक है, मान के चलिए फुल रिस्क फ्री स्टॉक। ये देखिए किस तरीके से, अगर आप इसमें, आपको मैं थोड़ा लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए आप ये देखिए कि ये स्टॉक आपको इस लेवल पर मिला,
फिर यहाँ से बिल्कुल ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अपने ट्रेंड लाइन, जो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, उसी के अकॉर्डिंग चला। देखिए फिर नीचे आया, फिर देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस बार इसने अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ा और थोड़ा नीचे तक ज़रूर आया। तो नीचे किस लेवल पे आया, ये पुराने सपोर्ट लेवल्स पे आप इसमें बाइंग कर सकते थे, 280 के लेवल्स पे वहाँ तक, और वहाँ से वापस गया है। और उम्मीद करते हैं और वापस जाए, बहुत बढ़िया बेहतरीन स्टॉक तो है ही है। और अगर आप देखें कि आगे गिरावट आने वाली है, तो आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा और नीचे ये गिरे तो किस लेवल तक गिर सकता है, ये देखिए। तो मैं पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये 280 के लेवल तक ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा गिर के। लेकिन थोड़ा अगर गिरावट को हम और ऐसा नहीं कह सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते चीज़ों को, लेकिन हम सपोर्ट एंड टेक्निकली हम उसको देखें अगर, तो ये मेरे को तो थोड़ा सा यहाँ पे 240 के लेवल्स पे भी दिखने को बनता है। अगर इन लेवल्स पे मिलता है तो अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी। आने वाला टाइम जो है गिरावट का आने वाला है, इलेक्शन सर पे है, तो एक ना एक दिन किसी दिन ऐसे स्लैश से नीचे गिरेगा, तो इन लेवल्स पे भी आपको ये मिल सकता है 240 के लेवल पे भी। बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप देखिए, मार्केट मोजो के अकॉर्डिंग देखोगे तो एक्सेलेंट क्वालिटी का स्टॉक है। मैनेजमेंट रिस्क, कैपिटल स्ट्रक्चर, थोड़ा ग्रोथ पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा देखा जा रहा है कि 87 FMCG सेक्टर की कंपनी है, उसमें इसका रैंक जो है वो 7th रैंक का कंपनी है, लेकिन एक्सीलेंट क्वालिटी का स्टॉक है। वैल्यूएशन अभी भी इसकी अट्रैक्टिव बताई जा रही है, और अगर आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो 48% का एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 32% का, दोनों टर्म्स बहुत बढ़िया बेहतरीन है इसकी। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैरिको लिमिटेड यानी कि पैरासूट ऑयल, टॉप की कंपनी, एक्सीलेंट स्टॉक, रिजल्ट भी अच्छा रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा मतलब फ्लैट रहा रिजल्ट, उतना ही प्रॉफिट शो किया जितना लास्ट क्वार्टर में था। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।